नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपको स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है और चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं जहां पर बिजावर की है, जहां पर बीजेपी से पुष्पेंद्र नाथ पाठक ने अपना नामांकन दाखिल किया है, वहीं पर सपा से कांग्रेस से बगावत करके राजेश शुक्ला बबलू ने साइकिल पर सवार होकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जाकर नामांकन दाखिल किया। वहीं पर आम आदमी पार्टी के अमित भटनागर ने भी पर्चा दाखिल किया है। बसपा से अनुपमा यादव भी मैदान में उतरी हैं। हम आपको बता दें, बिजावर से बड़ी खबर है कि जहां पर कांग्रेस से बगावत करके राजेश शुक्ला अब सपा में शामिल हो गए हैं, यानी समाजवादी पार्टी से अब वो साइकिल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर अधिकतर प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने चूंकि इस क्षेत्र के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, कांग्रेस ने अपने उसमें घोषणा की थी कि सर्वे के आधार पर और जन भावनाओं को देखते हुए पार्टी प्रत्याशी घोषित करती, परंतु पैरासूट से प्रत्याशी यहां भेजे गए। इस कारण से आज जनता की भावनाओं को देखते हुए आज चुनाव में घूमना पड़ा और जन भावना के लिए मैं ताजीवन समर्पित रहूंगा। आमंत्रवादी प्रथा चली हुई है कि यहां देखती हूं मैं कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं और दबे कुचले जो लोग हैं और उसके अलावा जो अल्पसंख्यक लोग हैं, सभी समुदाय के जो लोग हैं, इनमें सामंतवादी लोग हावी हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं इनको भी बराबरी का दर्जा पाएं। ये बिजावर विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए हमने बहुत सारी योजनाओं पर काम किया है और अभी बहुत सारे काम करना शेष है। इसलिए हम जनता के बीच में ये आशीर्वाद देने जाएंगे कि जो काम अभी शेष रह गए हैं, जो विकास के और जो सामान्य जनमानस के कल्याण के कुछ और हमारे मन में सपने थे, उनको पूरा करने के लिए एक मौके की हमें और आवश्यकता है। और मैं जनता के चरणों में विनती करके इस बात की उम्मीद उनसे करूंगा कि वे हमें उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनगर से प्रत्याशी अरविंद पटेरिया को बनाया गया है। उनकी घोषणा होने के बाद ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उनके विरोध में लग गए। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लवकुश नगर की तस्वीर है जहां पर बीजेपी की नेत्री उपमा त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। उनके समर्थक भी नारेबाजी कर रहे हैं और अरविंद पटेरिया का विरोध हो रहा है। बीजेपी हमें ऐसी चाहिए। भाजपा मुर्दाबाद, हारेगा भाई हारेगा। अरविंद पटेरिया हारेगा। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। राज सिंह चौहान मुर्दाबाद। अरविंद पटेरिया हारेगा, हारेगा भाई हारेगा। हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी दीदी उपमा त्रिपाठी 20 साल से भाजपा में काम किया है, जबकि अरविंद पटेरिया अभी 4 साल से इस पार्टी में जुड़े हुए हैं और उन्होंने पैसे देकर इस टिकट को खरीदा है। मुझे लगता है 40-50 लाख रुपए से ये टिकट खरीदा गया है। हमारी दीदी के पास पैसे नहीं थे, उनको टिकट इसलिए टिकट नहीं दिया गया पार्टी में, जबकि पार्टी का बहुत अच्छा काम कर रही थी और बहुत ज़्यादा उनके पास वोट बैंक था, क्षेत्रीय नेता थी, बाहरी नेता को टिकट दिया है। इसलिए हम पूर्ण प्रयास करके इस पार्टी को हराएंगे और किसी भी कीमत पर ये जीत नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। नाती राजा को बाका ओवर मिल गया है, बिल्कुल इस्तीफा तो दे रहे हैं, कभी वोट भी नहीं दे। हम भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो प्रत्याशी उम्मीदवार यहाँ से चयनित हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम दीदी से पिछली बार की तरह हमेशा से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार भी दीदी का नाम आएगा, लेकिन इस बार फिर भाजपा का एक गलत निर्णय लिया गया जिसकी वजह से आज हम बहुत ज़्यादा उदास हैं। और यही वजह है कि आज हम 50 वर्ष से हमारे बाबा दादाजी कई वर्षों से हमें जुड़े हुए और हम नहीं चाहते कि बीजेपी अब हार जाए, जीते ना।
हम अरविंद पटेल के खिलाफ नहीं है, लेकिन खिलाफ है बीजेपी के निर्णय से, जिसने गलत निर्णय लिया और दीदी जैसे उम्मीदवार को पिछली बार की तरह हमारी उम्मीदों पे पानी फेरा और इस बार भी पानी फेर दिया दीदी के ना चयनित करके। इसलिए हम बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और गुस्से में भी है और हम चाहते हैं कि बीजेपी ना जीते और ना कभी जीत पाएगी। इन सबको उम्मीदें थी मुझसे कि इतने पिछड़े एरिया से हमारी बहन आगे आई है और 20 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी का निस्वार्थ भावना से काम किया है। मेरे ऊपर एक भी बालू या दारू जैसा कोई लांछन नहीं है। पार्टी ने मुझे आश्वासन दिया था, पिछले बार भी दिया था कि तुम्हें टिकट देंगे। मैं पार्टी से सवाल करती हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी से सवाल करती हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी से और संगठन के जितने भी संगठन मंत्री हैं, मैं सबसे सवाल करती हूँ कि वो एक बार कारण बताएं कि मेरा टिकट क्यों काटा। कारण तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को टिकट उन्होंने दिया है, आप सब लोग, ये क्षेत्र के सारे लोग खड़े हैं मेरे साथ, आप खुद मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग बताइए जिसको टिकट दिया है क्या वो जायज है, वो इस लायक है? ना तो वो इस विधानसभा का रहने वाला है, ना ही कभी इस विधानसभा में उनको देखा गया है, फिर ये अचानक ये टिकट कैसे मिली? भैया पार्टी में काम करने का तो कोई सवाल है नहीं, लेकिन पार्टी ने मेरे साथ जो अन्याय किया है, मैं उस अन्याय के साथ नहीं हूँ। मैं विरोध करूंगी और हराऊंगी पार्टी। मैं समीकरण देखूंगी और शाम को इस चीज का निर्णय करूंगी सभी समर्थकों के साथ बैठकर। ऐसे में चुनाव नहीं लड़ूंगी। चुनाव की मेरी अभी तक जितनी रणनीति थी वो भाजपा को लेके थी। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह का निर्णय होगा। ये बहुत ही अशोभनीय निर्णय है। मैं और हमारे सारे समर्थक इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं। हम आपको जो दूसरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये खजुराहो की हैं, जहां पर घाशीराम पटेल के समर्थकों ने भी विरोध शुरू कर दिया है और अरविंद पटेरिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, जहां पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं विरोध भी शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि पार्टी किस तरह से डैमेज कंट्रोल करती है। पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, घाशीराम पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। अरविंद पटेलिया को बाहरी प्रत्याशी बनाकर के राजनगर में जो भेजा है, ये राजनगर की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। जब तक क्षेत्रीय प्रत्याशी को नहीं घोषित करेंगे, हम कति वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को? अभी दो बार हारी है और तीसरी बार फिर से हराएंगे, क्योंकि हम नाराज है, नाराज है। इस पर नाराजगी है। पार्टी ने हम लोगों को धोखे में रखा था, धोखे में डाल दिया, धोखे में भेज रहे हैं, लेकिन हम लोग धोखे में नहीं जाएंगे। दोनों को लेकर के है, उम्मीदवार को लेकर के हम लोग डॉक्टर घाशीराम पटेल जी को चाहते थे। पार्टी ने भी डॉक्टर घाशीराम पटेल जी के लोग कहा था, ये लोकल के हैं, हम लोग लोकल के ही मांग रहे हैं। उम्मीदवार बाहरी है, हमारे साथ मंडल में 2 वर्ष से काम कर रहा है ये व्यक्ति, कभी पार्टी की किसी बैठक में नहीं आया और आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेके आया है। हम लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं ऐसे व्यक्ति से? नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। गुरुवार को पूर्व राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी के बेटे ने सपा से, समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया। राजनगर विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर हम आपको बता दें, उस दौरान सत्यव्रत चतुर्वेदी भी मौजूद रहे, तहसील परिसर के बाहर वह समर्थकों के साथ मौजूद रहे और उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। कि कांग्रेस जिससे लड़ती रही है जिंदगी भर, आज उनको सर पे बैठा रखा है, सरमाएदारों को और सामंतों से जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, क्योंकि ये सामंत अत्याचारी थे गरीब जनता के, उनसे लड़ाई लड़ने के बजाय उनको सर पे बैठा रही है, इसीलिए तो कांग्रेस का जनाधार खत्म होता जा रहा है। मुझे तकलीफ तब होती जब कांग्रेस ने सही फैसला किया होता और मैं अपने स्वार्थ के लिए पार्टी के खिलाफ जाता, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस के खिलाफ नहीं गया हूँ। मैं कांग्रेस को ये एहसास कराने के लिए बाहर आया हूँ कि तुमने जो गलतियाँ की हैं उसका परिणाम कांग्रेस पार्टी भी भुगत रही है और जनता भी भुगत रही है। पूरा सहयोग मेरा होगा। मैं छुप छुप के राजनीति करने वाला आदमी नहीं हूँ, छाती ठोक के राजनीति। तो हम आपको ये भी बगावत की खबर दिखा रहे हैं, बुंदेलखंड की ये बड़ी खबर है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी के बेटे साइकिल पर सवार हो गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों लंबे समय से वह कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया, तो इसके विरोध में, विक्रम सिंह के विरोध में, अब वह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं।
मैंने समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन आज राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए भरा है। नहीं, रुष्ट होने वाली बात अलग है, रुष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उपेक्षा और जो कार्यकर्ताओं के प्रति जो पार्टी की जिम्मेदारियां होती हैं उनको पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कमजोर रही है, और जो प्रदेश के और जो पार्टी के और जो शीर्ष जो नेतृत्वगण है उनके द्वारा मुझे ऐसा लगा कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता अब रह नहीं गई। दूसरी बात, जो पार्टी कार्यकर्ता जितना पुराना है उसका मान सम्मान बढ़ना चाहिए, लेकिन आज की डेट में देखने को मिल रहा है कि इस पार्टी में कांग्रेस में अब वो चीज रही नहीं जो पहले के समय में थी, और जो पहले के जो हमारे बड़े नेता थे उनमें जो बात थी उनकी जो सक्षमता थी वो अलग थी, अब ये नेतृत्व में वो क्षमता रह गई। पूर्ण रूप से मेरा निर्णय है, मैंने उनसे पूछा भी था ये निर्णय लेने के पहले कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये निर्णय तुमको लेना है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, तो फिर मैंने वो निर्णय अपने हिसाब से लिया। वो बोले कि भाई अपना निर्णय स्वयं जो भी लेना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो उनके जो उद्देश्य है और उनका जो सोच है पार्टी के प्रति या जो वो उचित समझेंगे वो वैसा निर्णय अपना लेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। चुनौतियां ज्यादा कुछ नहीं है, चुनौतियां यही है कि जो जनता की परिस्थिति जो इस समय इस क्षेत्र के लोगों की जो परिस्थिति है, और जो यहाँ के पिछली लगातार कई बार से जो यहाँ के प्रतिनिधि बन रहे हैं जनप्रतिनिधि, उनकी ओर से जो उदासीनता और जो एक गैर जिम्मेदाराना उनका जो रवैया है जनता के प्रति वोट लेने के बाद, मेरी प्राथमिकता ये है कि वो कमी जो उनके द्वारा रही है जनता के अंदर वो कमी मैं पूरी कर सकूं। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। बुंदेलखंड की परंपरागत लोक जो दिवाली नृत्य होता है जगह जगह हो रहा है, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये खजुराहो की हैं जहां पर मोनिया नृत्य की प्रस्तुति ग्रामीणों द्वारा दी गई है। इन्होंने बताया है कि करीब दिवाली होने से ये लोग 15 से 20 दिन तक सभी क्षेत्रों में जाकर ये अपना लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, दिवाली नृत्य करते हैं, और उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ लोग तो मौन भी साधते हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन यानी 9 तारीख को क्षेत्र भर से जिले भर से नामांकन दाखिल करने की खबरें आती रही। सबसे पहले हम बात करते हैं छतरपुर की। छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया, उसके बाद फिर शक्ति प्रदर्शन किया गया। मोटे के महावीर मंदिर से बड़ी तादाद में हजारों की संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए और पूरे नगर का भ्रमण किया। इस दौरान नाचने गाने वाले लोग भी, मौनिया नृत्य के लोग भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर अब्दुल समीर ने बहुजन समाज पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया है। वे भी अपने समर्थकों के साथ तहसील पहुंचे और वहां पर नामांकन दाखिल किया। डॉक्टर के चतुर्वेदी द्वारा आम आदमी पार्टी से नामांकन दाखिल किया गया है, तो वहीं विनोद अग्रवाल को सपाक्स ने अपना उम्मीदवार बनाया है। विनोद अग्रवाल अपने 4-5 समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं नेहा सिंह ने निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन इस विधानसभा के लिए दाखिल किया है। आज मैं अपना भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होने के नाते, विधानसभा छतरपुर से प्रत्याशी होने के नाते, मैं अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हूँ। सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मेरे साथ हैं, हमारी केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय वीरेंद्र भाई साहब साथ हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जनता का आशीर्वाद, मात्र शक्ति, सभी लोग आज मेरे साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता केजरीवाल साहब ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए हैं और स्वास्थ्य के बारे में एक नई जन जागृति प्रदान की है, और मैं चाहता हूँ कि छतरपुर में भी स्वास्थ्य के बारे में एक नई जागृति पैदा की जाए, इसलिए मैंने आज
आम आदमी पार्टी से जो अपना चुनाव अभियान प्रारंभ किया है और फॉर्म भरा है, और मैं चाहता हूं कि छतरपुर की आम पब्लिक और छतरपुर के लोग हमें सहयोग करें, तो हम उन्हें उसी तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे जिस तरह की सुविधाएं स्वास्थ्य के प्रति दिल्ली में प्रदान की गई। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी ज़्यादा सम्यक नहीं है और कितनी विसंगतियां हैं ये तो आपसे छिपा हुआ नहीं है। डॉक्टरों की भरसक कमी है और आप ये समझिए अस्पताल चिकित्सकों से खाली पड़े हुए हैं, और मैं जो है चाहता हूँ कि इस संकट से दूर हुआ जाए। थैंक यू। मेरी तो जीत होने वाली है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी सरकार बनाने जा रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ, मैं इसमें पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन अभी मैं निर्दलीय फॉर्म भरा है। मेरा एक ही मुद्दा रहेगा, केवल विकास, क्योंकि मैं जब से मैंने यहाँ देखा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी हो, यहाँ के नेताओं ने किसी भी प्रकार से विकास नहीं किया, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो या जन से संबंधित हो, कोई भी संबंधित हो, यहाँ विकास नहीं हो। मेरा एक ही मुद्दा रहेगा, जहाँ तक मेरा मानना है कि अर्चना सिंह ने छतरपुर में जो विकास होना चाहिए था हमारे ज़िले में, वैसा विकास हमें नहीं देखने को नहीं लगा ऐसे मिला हुआ। और जहाँ तक यहाँ की जो जनता है बहुत परेशान है, और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ से विधायक बनती हूँ तो मैं यहाँ छतरपुर ज़िले में विकास करना चाहती हूँ। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। राजनगर में वर्तमान विधायक विक्रम सिंह नाती राजा द्वारा पहले मतंगेश्वर मंदिर में जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया गया और उसके पश्चात नामांकन दाखिल किया गया। गौरतलब है कि पिछले दो बार से लगातार वे विधायक हैं और अब तीसरी बार बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से इस विधानसभा के लिए कांग्रेस का टिकट सौंपा है और उन्होंने नामांकन दाखिल किया। महाराजपुर की अगर बात करें तो महाराजपुर में भारतीय जनता पार्टी के बागी महेश मातौल ने समानता दल से अपने समर्थकों दलबल के साथ जाकर महाराजपुर में नामांकन दाखिल किया, तो वहीं प्रीतम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से भी अपना नामांकन दाखिल करने महाराजपुर सीट से पहुंचे। कोई भी पार्टी सिद्धांतों से गलत नहीं होती, हर पार्टी के सिद्धांत देश हित में होते हैं, लेकिन जब किसी भी दल में कुछ गंदगी भरे लोग आ जाते हैं, उनके द्वारा पार्टी सही निर्णय नहीं ले पाती है और जिनके कारण जनता का गला घोटा जाता है, और उसके बाद जब पुराने कार्यकर्ता अपनी बात कहने में अपने आप में घुटन महसूस करने लगते हैं, तो मेरे साथ वही हुआ और मुझे मजबूरन में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जनता की सेवा के लिए समानता दल, और चूँकि समानता दल में मैं देख रहा हूं कि नीचे से ऊपर तक सारे लोगों का समान व्यवहार होता है, और मुझे ऐसी आशा है भविष्य में भी होगा, मैं समानता दल के माध्यम से जन सेवा कर पाऊंगा, ऐसी मेरी विश्वास है और इस कारण मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने को मजबूर हुआ हूं। किसानों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और रोजगार को लेकर, और बुंदेलखंड में जो महाराजपुर से हटके भी जो बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है, कोई उद्योग नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, नौजवानों को व्यवसाय नहीं है, किसानों की है, व्यापारियों की है, तो इसमें हम किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ मिलकर के। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। चंदा विधानसभा में भी चुनाव बड़े रोचक स्थिति में आ गया है। यहां पर अनित्या सिंह, जो कि वर्तमान में नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, वे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही थी, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से बागी हो गई और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी विधानसभा से कांग्रेस से एक बार फिर से हरप्रसाद अनुरागी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने एक बार पुनः हरप्रसाद अनुरागी पर दाव लगाया है, और अब देखना यह है कि यहाँ पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक आर डी प्रजापति के बेटे राजेश प्रजापति को टिकट दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से हरप्रसाद अनुरागी को उतारा है, तो अब भाजपा की बागी अनित्या सिंह भी चुनौती देते हुए मैदान में आ खड़ी हुई है।
और जैसा कि हमारा चंदा विधानसभा है, जहाँ तक कि मेरा अनुमान है कि मध्य प्रदेश की सबसे आखिरी विधानसभा है, एमपी यूपी का बॉर्डर है, अनेकों समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र को लेकर के, जिसमें कि हमारे किसान भी परेशान हैं, अनेकों हमारे ब्लॉक हैं, जो हमारा गौरिहार ब्लॉक है वहाँ पे अब तक भी नहर नहीं आई है, वहाँ पे किसान बहुत ही परेशान है, जहाँ की बीज का भी नहीं उत्पादन होता है, ना ही हमारे वहाँ पे गायों के लिए कुछ भी सुरक्षा है पूरे क्षेत्र में। इस मुद्दों को लेकर के मैं आगे आई हूँ। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने दोबारा मेरे ऊपर विश्वास किया और दोबारा मुझे प्रत्याशी बनाया। मेरा सबसे पहले अपने क्षेत्र में किसानों की समस्याओं का निदान करना बहुत आवश्यक है। किसानों के लिए सिंचाई के साधन करेंगे और सबसे पहले अपने यहाँ एक और दूसरी समस्या भी है किसानों की, जो आवारा गायें घूम रही हैं उनसे भी निजात दिलाएंगे। अपने ज़िले में बहुत कम है और ज़्यादा प्रयास किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई कॉलेज खोले जाएं और जो कानून का सम्मान आज लगातार भाजपा की सरकार ने 15 साल से थोड़ा कानून का भंडाफोड़ हो गया है, तो हम कानून की प्रक्रिया को सम्मान रखेंगे, अनुशासन रहेगा शासन प्रशासन में। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में आप देख रहे थे दिनभर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखते रहने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।